हाँ ठीक है, चलो रेक्टेंगल का है ना। हो गया था, क्वेश्चन हुए थे क्या? पहला क्वेश्चन हो गया था ना, सेकंड भी हो गया था, थर्ड बाकी है ना। कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, क्या नाम है उसका? एंगल डी कितना है? ए बी सी तीनों क्या है? क्या है उसने नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? दिख रहा है ना? और क्या ये? अरे तुम ये पूछ रहे हो क्या ये? हाँ एंगल डी का मेजर कितना डिग्री दिया है? 150 दिया है ना। ठीक है, एंगल डी का मेजर दिया है 150 डिग्री। एंगल ए बी सी तीनों क्या है? किसका बोला है उसने? क्वाड्रिलेटरल। एंगल की बात किया है तो तुम किसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? एंगल की। किसकी एंगल की? क्वाड्रिलेटरल की। क्या है प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री होता है। अब चार एंगल कौन से हो गए? ए बी सी डी है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल कितना डिग्री? 360 डिग्री। एंगल ए पता है क्या हमको? जैसे कहा एंगल बी पता है क्या? बट एंगल बी के जगह में क्या रख सकता हूँ? तो एंगल ए जैसे कहा। एंगल सी पता है क्या? बट एंगल सी के जगह क्या रख सकता है? रखा एंगल ए, रखा एंगल ए। अरे हुआ। अब एंगल डी का मेजर कितना है? रखा यहाँ पे 150 और टोटल कितना हो गया? ये तीनों एंगल ए है, इनके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है? इधर वन और सबका साइन क्या है? 1+1, 2+1, 3 हो गया। क्या होगा? 3 एंगल ए इज इक्वल टू प्लस उधर जाके ये वा कितना होगा? तो 3 एंगल ए इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा बोलो? कितना? वो 210। ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके 210 अपॉन, तो एंगल ए कितना हो गया? 70 हुआ। एंगल ए कितना आया? अब एंगल ए कितना है तो एंगल बी भी कितना होगा? क्यों 70 होगा? और एंगल सी भी कितना होगा? समझा? किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या बोला है? द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। फिर से कहे कि देखो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो पहले देखना कि क्वाड्रिलेटरल बोला पैरेललोग्राम बोला, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला ना, है ना। अब क्वाड्रिलेटरल की किसकी बात कर रहे हो? तो एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है ना, मतलब एंगल का ही बोला है उसने। तो एंगल की प्रॉपर्टी क्या है क्वाड्रिलेटरल की? कि भैया सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री है। अब उसने एंगल का क्या दिया है हमको? रेशो। क्या दिया है रेशो उसने? 1:2 में रेशो में दिया है ना। अब रेशो को हटाना है तो क्या अप्लाई करना? क्या अप्लाई करना? कॉमन मल्टीपल मतलब कोई वेरिएबल है ना, तो सबको एक्स से क्या कर दोगे? मैंने कॉमन मल्टीपल का यूज किया एक्स, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे? अगर वाई करता तो जेड करता तो एक हो जाएगा एंगल 1x, दूसरा हो जाएगा, तीसरा और चौथा हो गया, चार एंगल हो गए। अब चारों का प्लस, चारों का प्लस कितना होगा? 360 होगा ना। क्यों 360 होगा? क्योंकि किसके एंगल है वो? किसके एंगल है? क्वाड्री
और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री है ना, तो 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना 360 डिग्री। ये सब कौन से टर्म हो गए, लाइक टर्म है और एंगल भी है, तो प्लस कर दो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10x हो गया, ये समझा। और ये 360 जैसे का ये 10 मल्टीप्लाई उधर जाके 360 बाय कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 x कितना आ गया 36 आया। मेरे को x निकालना था क्या, क्या बोला था, व्हाट इज द मेजर ऑफ फोर एंगल, फोर एंगल कौन से थे मेरे 1x 2x 3x, अब 1x है, x की कुछ वैल्यू होंगी कि नहीं होंगी, कितनी है, और x इसके साथ मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में है, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो 1 वहां पे रखूंगा 31 के x की जगह कितना रखोगे, और x उसके साथ क्या था, किसके साथ, तो 36 भी उससे क्या कर दोगे, तो 36 इंटू 1, तो पहले एंगल का मेजर, दूसरे का कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, चारों का एंगल निकल जाएगा। अब हमको चेक करना है, सही है यार, तो चारों का क्या कर लेना, सम कितना आना चाहिए, क्योंकि वो चारों किसके एंगल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, समझा, किसी को डाउट, आगे बढ़े कर लोगे। अच्छा एक बताओ क्या, ये देखो ये क्या बोला इसने, अच्छा ठीक है पैरेललोग्राम नहीं बताऊ ना, हाँ ठीक है क्या बताऊ, सातवा सेवन, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ 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 देखो, हाँ क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, पता है पॉलीगॉन में कर गया, हाँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, एक्सटीरियर मतलब बाहर के जितने भी एंगल आएंगे सबका सम कितना होगा 360 होगा, अब उसके वर्टेक्स के हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है, ये कितना है, ठीक है ये 90 है, ये टोटल कितना डिग्री होगा 180 होगा, ये कितना हो जाएगा 90 होगा, ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, तो कितना आएगा 120 आएगा है ना, एक सौ बीस ये 90 और ये कितना आया 90 आया है ना, कितने साइड आ रहे इसके, कितने आ रहे 5 आ रहे, ठीक है तो 90 हो गया, ये हो गया, ये एक्सटीरियर 1 2 3 4 अरे 5, कितने एक्सटीरियर एंगल आ रहे 5। देखो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, सेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो, है ना, पॉलीगोन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं सबका सम कितना होता है 360, तो पेंटागोन किसका टाइप है, पॉलीगोन का टाइप है ना, तो इसके एक्सटीरियर एंगल जो भी बन रहे उनका भी सम कितना होगा 360 होगा, एक 90 है, ये कितना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक ऑलरेडी दिया है ना, इसके वैल्यू निकालना है, ये कितना है, ये सबका क्या कर लोगे, कितना आएगा 90 प्लस 60 प्लस इधर का 90 प्लस प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, प्लस करो 280 आएगा, 90 90 180 और 60 40 कितना होता है 280 हो गया, प्लस उधर जाके कितना आएगा, कितना आएगा, तो एक्स कितना आ गया, समझा।
ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पेंटागॉन है, ठीक है, क्या है, पेंटागॉन है ना, ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और ये, तो इसलिए क्या हो गया, पेंटागॉन, क्वाड्रिलेटरल में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागॉन हो, या ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, है ना, हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे, तो एक्सटीरियर एंगल जो रहते हैं उसके सबका सम कितना होता है 360, तो एक एक्सटीरियर हो गया, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है, ये देखो वर्टेक्स के पास से बन रहा है, ये भी वर्टेक्स के पास से बन रहा है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, उसके एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाएंगे, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, तो कितने एंगल आ रहे, एक दो तीन चार पाँच, पाँचों का सम कर दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस किया कितना आया सम, प्लस उधर जाके एक्स कितना आ गया, समझा, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे, क्वाड्रिलेटर लो, पेंटागन हो, है ना, सेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का समय में हिस्सा कितना आएगा 360, एक्सटीरियर की बात कर रहा मैं, इंटीरियर की बात कर रहा हूँ क्या, इसकी बात क्या बोले, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल रहते हैं, कितने रहते हैं, उसमें से एक का मेजर कितना दिया है, कितना डिग्री है, देखो ये से आला क्वेश्चन, एंगल डी का मेजर दिया था, एंगल डी भी एक एंगल हुआ, वो भी एक एंगल हुआ, और बोला उसमें, इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि रिमेनिंग थ्री आर, इधर भी थ्री कौन से बचे थे मेरे, ए बी और सी, तीनों क्या है, इक्वल है, तो इधर भी इक्वल मानोगे, बस मान लो एक्स 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 आ जाएगा तीनों, 110 आ गया, एक्स 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 थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस करो प्लस करो आंसर आ जाएगा, ठीक है, अरे समझा, हाँ, टू डी शेप्स, ठीक है, क्या बोला है, टू डी शेप इज अ फ्लैट शेप, है ना, कौन सा शेप रहता है, फ्लैट शेप रहता है, और उसके कितने डायमेंशन रहते हैं, लेंथ एंड विथ, विथ नो थिकनेस, थिकनेस मतलब उसकी मोटाई कुछ होती है क्या, और डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, उसकी गहराई भी होती है क्या, नहीं होती है, ठीक है, और वही रीजन है कि इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल शेप, क्या बोलते हैं, आप काई की बात कर रहे हो, एरिया की, एरिया मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का तुमको एरिया निकालना है, तो उस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो, और वो कितनी जगह ले रहा है, वही उसका क्या हो जाता है, एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ टू डायमेंशनल फिगर, ऑक्यूपाइड मतलब उसको रखने में जितनी जगह लग रही, वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है, जैसे पेन है, इसको मैंने रखा, है ना, इसको क्या रखा, तो जितनी जगह लेगा वो क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, क्या बोला उसने, पेरीमीटर, क्या बोला है, अब पेरीमीटर टू डायमेंशनल शेप में पेरीमीटर निकालना है ना, ठीक है, दिखा, अरे है ना, एक दो, तीन चार पांच छ सात आठ, टोटल कितने साइड हो गए, कितने, आठ है ना, तो पेरीमीटर का मतलब क्या बोल रहा है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री यही है ना, इसकी टोटल लेंथ जितनी आ रही है वही क्या हो जाएगा उस फिगर का पेरीमीटर, क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके बाउंड्री का लेंथ पता कर लो, तो हम क्या निकाल लेंगे उस फिगर का पेरीमीटर, रेक्टेंगल में भी क्या करते हैं हम लोग, ये लेंथ होता है और ये क्या होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या होता है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या है ना, मतलब लेंथ और ब्रेथ को प्लस करो, टू से क्या कर दो, ऐसा क्यों उसने फॉर्मूला बनाया है, क्योंकि लेंथ कितने बार आ रहा है, तो टू एल हो रहा है और टू ब्रेथ हो रहा है, तो टू कॉमन निकला, तो लेंथ प्लस, या तुम डायरेक्ट जितनी साइड जा रही है सबका प्लस कर दो, ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब होगा जो उसकी बाउंड्री दी है उसका लेंथ निकालना, मतलब क्या, किसी फिगर का पेरीमीटर निकालना, क्या निकालना, ठीक है, अब उसके ऊपर ट्रायंगल के फॉर्मूले, ठीक है, टू डायमेंशनल शेप में ट्रायंगल आता कि नहीं आता, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू बेस, उसी को कंसिडर करना, बेस उसको पकड़ना पड़ता है ना, जिसके करस्पॉन्डिंग में तुम हाइट ले रहे हो, अब हाइट का मतलब परपेंडिकुलर जो दिखे ट्रायंगल के अंदर उसे क्या कंसीडर करोगे तुम लोग, हाइट, अब इसमें हाइट कौन दिख रहा है, एडी, तो एडी क्या हो गया, अब वो किसके ऊपर खड़ा है, तो बीसी क्या हो गया,
तो बस फॉर्मूले तुमको रखना है कि हाफ इंटू बेस इंटू एट, नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। फिर एक दूसरा फॉर्मूला जिसे हम क्या बोलते हैं, हेरन्स फॉर्मूला, क्या बोलते हैं। देखो इसमें अगर हमको इससे निकालना है तो हमको हाइट पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। अगर हाइट पता नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए उसने क्या दिया है कि भैया एक और फॉर्मूला दे दे, हेरन्स फॉर्मूला। उसके लिए हमको तीनों साइड पता होना, क्या पता होना चाहिए, हाइट पता हो या ना हो उससे लेना देना नहीं है, हमको तीनों साइड पता है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, एरिया, क्या निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये जो ए बी और सी जो है, ए बी सी, वो ट्रायंगल की साइड्स है, ट्रायंगल की क्या है। अब बोलेंगे भैया एस क्या है, क्या एस, देखो ऐसे यहाँ पे लिखा है, एस का मतलब क्या होगा, तीनों साइड का प्लस डिवाइडेड बाय, उसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, है ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला मतलब तीनों साइड का सम, है ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला मतलब तीनों साइड का। अब सेमी का मतलब आधा, सेमी का मतलब आधा, मतलब कितने से डिवाइड करना, इसलिए कितने से डिवाइड किया, तो एस की वैल्यू निकालना है तो तीनों साइड का प्लस कर दो, कितने से डिवाइड कर दो, टू से, तो सेमी पेरीमीटर निकल गया। तीन साइड ऑलरेडी दिया हुआ है तुमको, वैल्यू में पुट करना, सॉल्व करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है। इसका टेंथ में एक दो प्रॉब्लम में आले फॉर्मूले का यूज है तुमको, एक से दो प्रॉब्लम में इसका। दिखा क्या, हाँ माइनस से क्यों आया, ये फॉर्मूला तुमको डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो तुम फॉर्मूला याद रखो, उससे लेना देना नहीं हमको कि माइनस क्यों आया, वो फॉर्मूला है, तुम डिराइव करके रखा है उसको, ठीक है। बस याद करके रखो कि उसको कैसे आया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। उसकी तीन साइड दिया हुआ है, हाइट बेस दिया है क्या उसने, तो तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो क्या। तो हमारे पास सिर्फ कौन सा फॉर्मूला बचा है, हेरन्स फॉर्मूला। क्या होता है, एरिया का अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, समझा। अब एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का डिवाइडेड बाय, तो निकालो एस इज इक्वल टू 10 प्लस 17 प्लस 21 अपॉन 2 और 7, अरे 1 और 7 और 0 80 आएगा, 1 और 1 2 और 2 कितना आएगा, एस की वैल्यू कितनी आ गई। एक बात याद रखना हमेशा ना, इसमें जो ये दिया रहेगा, है ना, सेमी पेरीमीटर हमेशा तीनों साइड से बड़ी आनी चाहिए, तीनों साइड से हमेशा क्या आनी चाहिए, ठीक है। अगर छोटी आ गई, छोटी, तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव में जाएगा, किसमें जाएगा, और नेगेटिव में किसके अंदर चल जाएगा, वो अंडर रूट के अंदर, किसके अंदर, और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, क्या हो जाता है। और टेंथ तक तुमको इमेजिनरी नंबर का कुछ फंडा ही नहीं है, है ना, तुमको सिर्फ रियल नंबर ही पढ़ना है, टेंथ के बाद तुमको जो पढ़ना हो क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो एक बात याद रखना कि अंडर रूट के अंदर हमारा आंसर आ रहा है कभी गलती से, तो समझना हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत हुआ है, हमने कहीं ना कहीं गलत किया हुआ, तो कोशिश करना है सही करने का, ठीक है। एस कितना आ गया मेरा, 24, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते एस की वैल्यू 24। अब ये एस है फिर से, अब ए बी सी मान लो, इसको ए, इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जिसको ए मानना है, जिसको बी मानना है, जिसको सी मानना है, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी आई है, 24 में से ए को माइनस करना है, तो 24 माइनस 10
कितना होगा, 14 हुआ, फिर 24 माइनस किसको करना है, बी को, कितना, तो 17 माइनस करो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आया 7 इंटू, अब 24 में से किसको माइनस करना है, सी कितना है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखो क्या है, 24 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 3, अब दिमाग नहीं लगाना सबको, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, पहले अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर गलत हो जाए, आंसर निकलेगा लेकिन फिर उसको अंडर रूट के अंदर से भी तुमको खींचना है ना, बाहर निकालना है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो पहले स्प्लिट करो, जो जो नंबर दिख रहा है ना उसको क्या कर दो, इसको 6 4 जा लिख सकता हूँ मैं, 14 को क्या लिखूंगा, 7 2 जा, बट लिख के कुछ फायदा है क्या, हाँ 7 2 जा 14, ठीक है, ये 7 जैसे का, ये 3 जैसे का, अब ये कौन सा साइन है, किसका साइन है, स्क्वायर रूट, किसका साइन है, स्क्वायर रूट, किसका साइन है, तो स्क्वायर रूट से वही नंबर बाहर निकलता जो किससे का क्या होगा, क्या होगा, तो देखो 6 इसका स्क्वायर है क्या, तो मत निकालो उसको बाहर, 4 तो बाहर निकलना है तो किसका स्क्वायर हो, तो बाहर आएगा तो 2 हो गया, समझा। अभी देखो 7 7 का कितना होता है, 49 हो रहा है, और 49 किसका स्क्वायर है, तो 14, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 49 हो रहा है, और ये 49 जब बाहर आएंगे तो कितना बचेगा, तो इधर 7 लिख दूं, ये दोनों भी गया, अब क्या बचा, 2 और 3, अब देखो 2 3 जा कितना होता है, और ये 6 बचा है, 6 6 जा 36 बाहर आएंगे तो अंडर रूट हट गया, वही अगर तुमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दे तो तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ता है, 8 क्लास में सीखे हो ना, अब मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा और 14 6 जा कितना, 14 6 जा 84, क्या निकाल रहे थे हम लोग, क्या निकाल रहे, एरिया का हमेशा यूनिट याद रखना स्क्वायर लगता है, क्या लगता है, अब स्क्वायर, अब डिपेंड पड़ता है कि यूनिट क्या दिया, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, अगर मीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है इसलिए क्या लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तुमको लगाना है किसी भी चीज का एरिया निकाल रहे हो तो, ठीक है। अरे हाँ, अब ये तो किसी को डाउट नहीं ना, स्क्वायर कैसे आ रहे वहां पे, पॉलीगॉन, हाँ क्वेश्चन सही है, थोड़ा सोचो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, जिसको 3 साइड है तो, अरे पॉलीगॉन किस, क्या बोला उसने, पॉलीगॉन उसके साइड क्या है, 5 4 2, टोटल कितने साइड हो गए, ऐसा पॉलीगॉन बताओ जिसके 3 साइड होते हैं, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, समझा। अब क्या है मेरा, क्या है, सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है फॉर्मूला है। सेमी सर्कल, सेमी का मतलब आधा, सेमी का मतलब आधा। क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या दिया, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब ये होता है पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस का मतलब भी क्या होता है, तो पेरीमीटर निकालने का मतलब हो गया कि भाई उसकी बाउंड्री की लेंथ, उसकी तो फॉर्मूला क्या है, 2πr, फिर क्या है, ये 2πr डायमीटर लेते ना हम लोग, उसको पाई डी भी ले सकते हो, हाँ ये जो लेंथ है, हाँ वो भी चलेगा, हाँ हाँ मेन है कि वहां पे ऐसा होता है कि पाई डी होता है, क्या होता है, अब डी मतलब क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर मतलब 2 इंटू रेडियस लिख सकता कि नहीं लिख सकता, इसलिए 2 इंटू रेडियस आए वहां पे, हाँ हाँ तो मल्टी, अच्छा 3 × 2 × 6 लिखा है, अब 6 3 जा कितना होता है, और 18 2 जा 3 2 जा 6 6 जा, कुछ फर्क हो रहा है क्या, तो ये 2 मैं पाई के साथ बोलूँ या आर के साथ बोलूँ तो फर्क है क्या कुछ, अब क्या बोला उसने, सेमी, ठीक है, भैया ने दो दो जगह लिख दिए यार, ए
हाँ देखो ये पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पायर। क्या होता है? 2 पायर है। अब सेमी सर्कल का मतलब आधा, सेमी सर्कल का मतलब आधा, मतलब है नीचे का पार्ट गायब हो गया मेरा, है ना। अब आधा 2 पायर का आधा करूंगा तो क्या होगा? पायर। क्या होगा? पायर। अब पायर में सिर्फ आला आया वैल्यू, क्या आया? ये यही बाउंड्री है मेरी, ये नीचे का बाउंड्री आया क्या, तो उस बाउंड्री को ये क्या हो गया उसका डायमीटर, क्या हो गया? तो फॉर्मूला है पाई भैया ने, ठीक है, पाई आर डी। क्या है फॉर्मूला? पाई आर प्लस डी। क्या है? पाई आर प्लस डी। देखो ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल का टोट सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। क्या है? सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? उसको आधा करना। क्या करना? अब आधा कर दिया मैंने, यहां से इसको काट दिया, डायमीटर से काटेंगे, है ना, सेंटर से बिल्कुल काटते हैं इसको, ये सेंटर है तो सेंटर से काट गया। अब नीचे का पार्ट हट गया, है ना, नीचे का पार्ट क्या हो गया? हट गया मेरा नीचे का पार्ट। अब नीचे का पार्ट हट गया तो इतना बचा मेरा, ये मेरा क्या हो गया? सेमी सर्कल। क्या हो गया? पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना था? आधा हट गया। अब आधा हटा मतलब इसको कितने से डिवाइड कर दू? तो 2 से 2 क्या हो गया? पाई आर बचा। अभी पाई आर जो है सिर्फ इसका है, इसका इसकी लेंथ बता रहा है वो, है ना, क्योंकि बड़े सर्कल में तो नीचे का ये लेंथ गिने क्या हमने, ये नीचे वाला गिने थे, वो तो ऑलरेडी कट गया। अब काटने के बाद ये वाली लेंथ आई कि नहीं आई, ये भी इसमें ऐड करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री का क्या करना, प्लस ये भी सेमी सर्कल का क्या है? बाउंड्री है, और ये क्या है उसका डायमीटर, क्या है, इसलिए यहाँ पे क्या प्लस किया है? पाई आर डी। समझा? हाँ नहीं, साइड नहीं, वही है सर्कमफेरेंस ये, नहीं साइड हमेशा दो दो वर्टेक्स जो है उनको जॉइंट होके बनता है, वर्टेक्स का है, इसको वर्टेक्स बोलेंगे क्या? तू पॉइंट है ना, अरे समझा, वहां पे फॉर्मूले में चेंज कर लो तुम लोग, देखो उसमें होगा है क्या, चेंज कर लो, पेज पलटाओ ना, है का मेरे को थोड़ी ना पता, हाँ तो सही करो ना उसको, हाँ हाँ किसको ऐसा बोलो ना, नहीं मिला है तो किसको नहीं मिला है? अरे तुम्हें नहीं मिला है क्या खुशी? हाँ तो हाथ कौन खड़े करेगा? छह दो आठ और एक नौ और एक दस, हाँ दो पीछे दो, अरे ये वाला फॉर्मूला नहीं है, प्रिंटिंग हो गया है, बस दोनों में से कहीं एक जगह लिख दो, यहाँ पे पाया डी लिख दो, या टू काट के डी डाल दो, चलेगा कहीं एक जगह। हाँ हाँ दोनों सेम है, रन दो ना, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला सही है ना? हाँ दोनों सही है, अरे क्या दोनों सही है, अब डिपेंड सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब पहली तो बात ये इक्वल हो ही नहीं सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तू दिया ही नहीं रहेगा, हाँ हाँ अरे इधर ते को सेम ही नंबर रखना पड़ेगा, हाँ माइनस भी कर,
ये इसके इधर कोई नंबर नहीं है ना, मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कर पहले। हाँ, नहीं नंबर के साथ थोड़ी ना कोई वहां पे। अरे समझा, अब उसके ऊपर क्वेश्चन है कुछ। देखो क्या बोला, फाइंड द एरिया एंड सरकमफेरेंस, सिंपल क्वेश्चन है। एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करो, सरकमफेरेंस निकालना है तो सरकमफेरेंस का। वो भी सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ये ऐसा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम लोग, बस फॉर्मूला अप्लाई करना और पटकना है। फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन बस बताता हूँ, फोर्थ वाला। ठीक है, क्या बोला है, टू कवर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर है ना, हमको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 10 किलोमीटर। और जो चक्का है ना, वो कितना रोटेशन मार रहा है, कितना? तो फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, हमको बताना है कि उस चक्के का रेडियस कितना है। ठीक है, इसमें करते हैं, इसको क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास। चलो देखो, 5000 रोटेशन पे है ना, कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन निकल रहा है, 10 किलोमीटर है ना। अब देखो, जब वो रोटेशन मारेगा, क्या मारेगा, तो चक्का घूमेगा है ना, ये चक्का घूम रहा है ऐसा। अब यहां से उसने स्टार्ट किया, यहाँ पे जमीन है, यहां से घूमना स्टार्ट किया उसने, अब ऐसा घूमा वो है ना, तो ये यहां से आगे जाएगा ऐसा। अब एक रोटेशन कब मानेंगे हम लोग, जब ये पॉइंट वापस घूम के ऐसा रिटर्न जमीन को टच हो रहा कि नहीं हो रहा है ना, और फिर वापस ये टच कर दिया, तो अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेल के हमको पता चल रहा है क्या, तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, मतलब इसका सरकमफेरेंस, क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस निकाल देंगे, तो हमको पता चलेंगे कि एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो देखो, अब 5000 रोटेशन है, तो देखो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, मतलब वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसने कितने रोटेशन मारा, 5000, तो 5000 रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर इंटू 5000। देखो मान लो, ऐसा समझो, एक रोटेशन में 20 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा, तो दो रोटेशन में कितना जाएगा, तीन रोटेशन में, क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 20 को सिर्फ क्या करते जा रहे हो, एक रोटेशन में कितना जा रहा था, अभी कितने रोटेशन माना, तो 20 इंटू कितना कर दोगे, फिर कितना रोटेशन, तीन रोटेशन माना ना, एक रोटेशन में 20 जा रहा है, एक चॉकलेट 2 रुपए की, तो 2 चॉकलेट कैसे किया, 2 से मल्टीप्लाई, 3 चॉकलेट, तो फिर से 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है, 2 रुपए, तो सेम ऐसा ही, एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है, तो 2 चॉकलेट की कितने जाएंगे, 20 इंटू 3 चॉकलेट की। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, कितना है, मैंने कितने चॉकलेट लिया, 5000, कितना लिया, तो 5000 का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू, समझा। अरे हाँ, तो वही निकालना है ना हमको, हाँ क्या है, 2 पाई आर इंटू 5000। ठीक है, अरे समझा, अरे ये कितना आया, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 5000 रोटेशन, कितने रोटेशन में। ठीक है, 5000 रोटेशन में मारा, अब उसने हमको ये भी बताया कि 5000 में कितना किलोमीटर गया, कितना गया है, 10 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 5000 है ना, इक्वल टू कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर है ना। क्वेश्चन देखा,
ठीक है। अब ये किलोमीटर में है तो हम ऐसा यूनिट वाला देख रहे हैं ना, तो इसको किस में कन्वर्ट करो तुम लोग, तो 10 किलोमीटर मतलब कितना मीटर, कितना, 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है, तो 2 मतलब, तो 10 मतलब, ये देखो ये भी किसका डिस्टेंस बता रहा था, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, कितना रोटेशन 5000 में बता रहा था, और ये 10 किलोमीटर भी कितना, कितने रोटेशन में कवर कर रहा है, समझा। अब ये 5000 मल्टीप्लाई उधर जाके, तो 10000 अपॉन 1 2 1 2 3 कट हो गया, 5 2 जा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 पाई, है ना, 2 से 2 इधर क्या बचा, तो रेडियस कितना हो गया, पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 और सॉल्व करो उसको, बस खत्म, समझा। अरे हाँ नहीं समझा, आर कहीं पे नहीं पुट करना है, उसने रेडियस ही तो निकालने के लिए बोला है, हाँ बस पाई की वैल्यू रखो या ना रखो तो भी चलेगा, हाँ हो गया आंसर खत्म। देखो 5000 रोटेशन का उसने कितना बोला था, 10 किलोमीटर बोला था ना, अरे हाँ हमने मान लिया कि भैया रेडियस आर है, रेडियस क्या है ना, उसकी लेंथ हमने मीटर में माना था, किस में मारा था, तो ये किलोमीटर में दिया था, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट किया, मीटर में, ठीक है। तो देखो एक रोटेशन का मतलब कितना हो गया, 2 पाई आर, कितना हो गया, कितने रोटेशन माना उसने, तो एक रोटेशन मतलब 2 पाई आर, 2 मतलब 2 पाई आर इंटू 2, 3 मतलब 2 पाई आर इंटू 3, कितने रोटेशन मारा, तो 2 पाई आर इंटू कितना, 5000 हुआ। अब ये भी डिस्टेंस बता रहा है, कितने का डिस्टेंस, वो व्हील का जिसने कितने रोटेशन माना है, और वो 5000 रोटेशन में कितना डिस्टेंस जा रहा है, तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या है, ये 10, तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, क्योंकि एक ही व्हील से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बस ये शो करने का तरीका अलग और ये शो करने का तरीका, ये डायरेक्ट वैल्यू दिया, इसमें वैल्यू दिया है क्या, इसको वापस पुट करने पर आंसर तुम्हारा 10 किलोमीटर ही आने वाला है, समझा, सॉल्व करो और आंसर लो खत्म। अरे समझा क्या, पक्का ना आएगा ना आंसर, बस हो गया आंसर सही अपना फिर, अरे समझा ना कि नहीं, ये क्वेश्चन देखो, ये आला पढ़ो क्वेश्चन, गर्ल है, क्या है, सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है, कितना है, 49 सेंटीमीटर है, और उसने बोला डिटरमाइन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, क्या निकालना है हमको, साइड, क्या निकालना है, साइड निकालना है, स्क्वायर की साइड निकालना है। देखो क्वेश्चन, अब एक बात है, अब उस जिस वायर का उसने यूज किया उस वायर से वो सर्कल बना रही है, और उसी वायर से उसको क्या बनाना है, स्क्वायर, क्या बनाना है, तो स्क्वायर की लेंथ कम ज्यादा, सॉरी वायर की लेंथ वो कम ज्यादा कर सकती है क्या, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी कि नहीं करेंगी, अरे कर सकती कि नहीं कर सकती, नहीं करेंगी, वो वायर की लेंथ उतना ही रखना है उसको, ठीक है, जिस जो वायर से वो क्या बना रही है, सर्कल, क्या बना रही है, उसी वायर का यूज करके उसको क्या बताना है, स्क्वायर, क्या बनाना है, अब स्क्वायर बनाना, तो चारों साइड की लेंथ उसको क्या क्या रखना पड़ेगा, सेम, क्या रखना पड़ेगा, अब देखो उसने स्क्वायर बनाई, ऐसा है स्क्वायर, मान लो इसकी लेंथ है ना, सर्कल बनाई उसने, ये वायर ही हो गया, अब मैंने ये ऐसा यहां से स्टार्ट कर, यहां से उसको वायर को ज्वाइन कर दिया है ना, अब ये टोटल लेंथ किसकी होगी, वायर की, किसकी होगी, तो वायर की जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ किसकी होगी, सर्कल के सर्कमफेरेंस की, किसकी होगी, और सर्कल का सर्कमफेरेंस जितना आएगा उतना ही किसका पेरीमीटर आएगा, स्क्वायर का, क्योंकि जो वायर में जो वायर की लेंथ का यूज करके क्या मैं बता रहा हूं, सर्कल, क्या बना रहा हूं, उतना ही लेंथ में ले रहा हूं, किसके लिए, स्क्वायर के लिए, और लेंथ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि उनके बाउंड्री का टोटल लेंथ कितना है, बाउंड्री का टोटल लेंथ
कितना है। अब मैं जब स्क्वायर की बाउंड्री बनाऊंगा, है ना, किसकी बाउंड्री, स्क्वायर की, स्क्वायर की जब बाउंड्री बनाऊंगा तो वायर का यूज करूंगा। वायर की लेंथ कम है कि सेम रखना है कि अलग अलग रखना है, सेम रखना है। अब वायर की लेंथ का मतलब क्या हो गया, सर्कल बना दिया तो वायर की लेंथ जितनी रहेंगी उतना ही सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस। अब वायर से मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर, क्या बना दिया, तो वायर की लेंथ जितनी रहेंगी उतना ही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर और उसका इसका सर्कमफेरेंस क्या रहेगा, बट सर्कमफेरेंस दिया है क्या हमको, बट उसके लिए उसने दे दिया है, क्या दिया है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2 जैसे का पाई की वैल्यू 22 बाय आर कितना है, 7 7 7 2 समझा, ये का किसका फॉर्मूला है, सर्कमफेरेंस ऑफ 2πr है, 2 जैसे का पाई की वैल्यू क्या है, ठीक है, और रेडियस उसने दिया है कितना दिया है, 49 रखे यहाँ पे, 7 1 7 7 7 2 और 22 जैसे का 14 2 28 का कैरी, 14 2 और ये 2 कितना आया, 308 सर्कल का क्या आया, क्या आया, और मैंने बोला था इसका पेरीमीटर और उसका सर्कमफेरेंस क्या रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना आया, 300, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, क्या होता है, अब साइड साइड की वैल्यूज निकालना है हमको, तो 4 मल्टीप्लाई इधर आके 308 बाय क्या निकल जाएगा, साइड, जो भी आए तुम्हारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था ना, हाँ नहीं मन से नहीं डाला, मन से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला, ठीक है। अब ये किसके फॉर्मूले, क्वाड्रिलेटरल के, इसमें स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, सब आ गया, ठीक है। इधर एरिया के दिया है और इधर किसका दिया है, पेरीमीटर के कुछ दिया है, एरिया ऑफ, देखो पेरीमीटर का तुमको निकालना है ना फॉर्मूला, किसी भी कोई भी फिगर है, पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, तो तुमको कुछ नहीं करना है, जितनी साइड दिया सबका प्लस कर देना, लेकिन उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, साइड, फॉर्मूला नहीं साइड, फॉर्मूला पता है, साइड नहीं पता तो फॉर्मूला लेके क्या करोगे तुम लोग, है ना, ये भी बड़ी दिक्कत है भैया, हमको फॉर्मूला याद है लेकिन साइड नहीं पता है, और किसी किसी को फॉर्मूला साइड पता है लेकिन फॉर्मूला नहीं पता, तो दोनों चीज तुमको पता करके रखना जरूरी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, क्या होता है, स्क्वायर का साइड स्क्वायर, क्या होता है, रोम्बस का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ, आप क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल बनेंगे, तो दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई और उसको क्या कर दो, 2 से, आप क्या बोला, एरिया ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय, ट्रेपेज़ियम में एक साइड पैरेलल रहती कि नहीं रहती, दोनों का प्लस और हाइट से क्या कर दो, और 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई की डिवाइड, समझा। फिर वो एरिया ऑफ क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल, एक डायगोनल और हाइट, ठीक है। अब हाइट देखो, इसमें थोड़ा फॉर्मूला इसका याद रखने के लिए देखो, अब कैसा भी मैंने बना दिया क्वाड्रिलेटरल, है ना, ठीक है, ए बी सी डी, ये एक डायगोनल हो गया। अब उसने हाइट की बात की है ना, तो ये हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर, हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये दोनों हाइट लेना है हमको, ठीक है, बस याद रखो फॉर्मूला कुछ नहीं है। काइट का फॉर्मूला क्या है, सेम देखो इसके ऐसा है, रोम्बस का फॉर्मूला और काइट का फॉर्मूला क्या है, क्या है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर ऑफ पॉल, जितने भी पॉलीगन है सबका एक ही फॉर्मूला है पेरीमीटर का निकालने का, सम ऑफ ट्रायंगल भी आया तो अप्लाई करो, क्वाड्रिलेटरल आया तो भी अप्लाई करो, स्क्वायर आया तो भी अप्लाई करो, रोम्बस आया, ठीक है, बट उन सब का अलग अलग फॉर्मूला इसलिए दिया है ना। अब रेक्टेंगल में हमको साइड पता ही नहीं, सम ऑफ ऑल साइड बोला, बोलेंगे भैया हमको, अब जिसको प्रॉपर्टी याद नहीं है ना रेक्टेंगल की, जिसको प्रॉपर्टी याद, जैसे अभी देखना एक दो को याद नहीं होगी, एक की साइड कितनी दिया 4, और एक कितना दिया, फॉर्मूला क्या बोलता है, बोला अभी मैंने रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, है? फॉर्मूला क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल साइड, क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल मतलब कितने साइड है,
तो चारों साइड का क्या करो, अब प्लस करने का है तो बोलेंगे भैया दो साइड की तो वैल्यू दिया ही नहीं है, है ना, दो साइड की वैल्यू करे कैसा, सही बोला ना मैंने? हाँ मैंने बोला, फॉर्मूला बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ, बट अब चार साइड है बट मेरे को कितनी साइड की वैल्यू दिया है, तो दो साइड की वैल्यू नहीं दिया है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता क्या, कर सकता कि नहीं कर सकता, कर सकता कि नहीं कर सकता, कर सकते हाँ, कैसे, चारों साइड का सम करने पर क्या निकलेगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का क्या निकलेगा, बट मेरे पास कितनी साइड दिया है, तो फिर किस, कौन सा, कौन से, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये एट है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये फोर है तो बस आ गया, चार साइड आ गए, पटक दो और आंसर आ गया, समझा? अरे हाँ, अब देखो, अब इन सब का अलग अलग फॉर्मूला है, साइड इसी पे इसने क्या लिखा, फोर इंटू साइड, किसका लिखा, किसका लिखा, स्क्वायर का लिखा है ना उसने, क्योंकि भैया साइड स्क्वायर की चारों क्या रहती है, इक्वल, चार साइड है, तुम फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर चार बार करो या फोर इंटू फोर करो, आंसर क्या आने वाला है, तो सेम वैसा ही किया उसने, ठीक है, फिर क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ, सेम दोनों का फॉर्मूला सेम ही आना, क्योंकि जब भी हम पेरीमीटर की बात कर रहे किसकी, तो एंगल, उसमें एंगल उंगल कुछ आ रहा है क्या, सिर्फ साइड की बात, किसकी बात, कि भैया उसकी साइड जो है, उसकी बाउंड्री जो, बाउंड्री की लेंथ कितनी, तो बाउंड्री की लेंथ पता करना है, तो जो भी साइड दी है उनकी लेंथ गिन लो और प्लस कर दो, खत्म कर दो, है ना, रोम्बस में क्या रहता है, चारों साइड की लेंथ क्या रहती है, सेम, एक को, एक के भी हमको पता चल गया ना, तो फोर से क्या कर दो, आंसर आ गया, ठीक है, हाँ हाँ, देखो सब लोग ठीक कर लो, हाँ लो ना, लिखा ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, हाँ, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल कौन है, तो दोनों का हाफ इनटू सम करो, पी एस प्लस क्यू आर किया, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, किससे करना है, अब हाइट एक तो ऐसा करके दिया रहेगा तुमको, ये हाइट हो गए, अब इसमें से कोई भी एक हाइट ले लो, इनटू हाइट, हाँ बस हो गया, ये भी क्वेश्चन है तुमको फर्स्ट चैप्टर में, ये इस फॉर्मूले का यूज, फर्स्ट चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज तुमको, हाँ ट्रेपेजियम वाला पहले चैप्टर में, सिंपल क्वेश्चन है, कितना पांच एट है, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, खत्म करो, रोम्बस दिया है ना, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है, उसका रोम्बस डायगोनल का रेशियो कितना दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अब डायगोनल की लेंथ दिया है क्या, उसने क्या दिया है, रेशियो क्या दिया है, तो रेशियो को हटाना है तो क्या यूज करना, तो एक एक डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएंगी और दूसरे की, दोनों का प्रोडक्ट करना है और टू से क्या कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई, देखो यही है ना फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू, बताओ क्या, बताओ क्या, हाँ उसने एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, कितना दिया एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अरे हाँ, और उसने डायगोनल का रेशो दिया है, किसका रेशो दिया है, डायगोनल का रेशो दिया है, कितना दिया है, थ्री इज टू फोर, कितना दिया है, अब रेशो को हटाना है तो क्या यूज करूं, तो एक हो जाएगा थ्री एक्स और एक हो जाएगा, समझा, इसको मान लेना डायगोनल वन और इसको मान लेना, क्योंकि दो ही डायगोनल रहते क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करो,
एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ हाफ, जैसे का एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है कितना है 96 रखा है यहाँ पे, ये जैसे का प्रोडक्ट डायगोनल का क्या करना है, क्या करना है प्रोडक्ट करना है, एक डायगोनल कितना है और दूसरा दोनों का क्या कर दिया मल्टी, ये 96 जैसे का 3/4 और x इंटू एक्स, ये 2 जैसे का कितना आएगा, ये 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी कितना आएगा 6x। अब ये दोनों किस में है, ये तो 6 मल्टीप्लाई इधर आके 96 बाय कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जैसे का कितना आएगा, कितना आएगा 6 एक्स स्क्वायर जैसे का क्या लोगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस 4 आएंगी, क्या आएंगी क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं, जब भी टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो हमेशा प्लस माइनस लगाने का ही, बट एक्स क्या बता रहा है कॉमन मल्टीपल, क्या बोल रहा है तो हमेशा वो क्या आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या लोगे तुम लोग, हाँ, बट उसने किसकी वैल्यू बोला था निकालने के लिए डायगोनल, एक डायगोनल कितना है और दूसरा 3 और एक्स की वैल्यू कितनी है, कितना हो जाएगा और 12 और 16, समझा नहीं डायगोनल का भाई लेंथ है ना, फिर नहीं हाँ थ्री डी शेप, टू डी शेप्स में क्या बोला था, जिसके लेंथ और ब्रेथ होती है ना, और उसकी डेप्थ होती है क्या टू डी शेप्स की, और वो क्या होता है फ्लैट, क्या होता है ये फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। थ्री डी शेप्स आर सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल, कितने डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। थ्री डी इन द वर्ल्ड शेप मीन्स थ्री डी, ठीक है। देखो 3D geometric shapes are faces, edge and vertices, ठीक है। उसमें क्या रहता, face रहता, edge रहता और एक vertices रहता। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। 3D dimensions में क्या बोला था उसने, faces, क्या बोला था, फेस vertex और edges, ठीक है। फेस का मतलब होता है दो edges को मिला के, है ना, अपोजिट दो edges को मिला के जो शेप बनता है ना। फेसेस हमेशा ना टू डायमेंशनल में बनेंगे, 3D में फेसेस हमेशा कितने डायमेंशन बनेंगे, टू डायमेंशन। क्यूबॉइड में जो फेस रहते हो रेक्टेंगल शेप के रहते, कौन से शेप के रहते, देखो ये जो है नीचे दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं ब्रेथ, क्या बोलते हैं ब्रेथ, ये जो है ये क्या है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है 1, 2, 3, 4 इसे क्या बोलते हैं, तुमको इसमें भी टाइप होता है सिमेट्रिक वगैरह आता है, ठीक है। उसको यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू डिरोई किया जाता है, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला है, तुमने 8th में पढ़ा होगा, f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2, पढ़ा है क्या फॉर्मूला, f मतलब फेसेस, b मतलब वर्टाइसेस और e मतलब एजेस, पढ़ा है ना।
देखो अब फेस का मतलब क्या हो गया, देखो ये जो दिख रहा है ना, इतना ये एक फेस हुआ, कितना हुआ? अब ऐसा ही एक सामने दिख रहा है और उसके पीछे कितना हो गया? दो। ऊपर दिख रहा है कितना हुआ? कितना? तो कितने फेस है इसमें? छह। अब काय की बात किया उसने? वर्टेक्स। किसकी बात किया? दो एजेस। दो एजेस मतलब ये जो दिख रहा है ना डंडी, इसे क्या बोलते हैं? एज। क्या बोलते हैं? दो एजेस जिस पॉइंट पे मिले उसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? एक दो तीन चार, ऊपर चार नीचे भी कितने, तो कितने एज रहते हैं? सॉरी वर्टेक्स कितने, फेसेस कितने? छह। और ये कितने? तो फॉर्मूले में देखो फेसेस हो गए छह है ना, वर्टेक्स कितने हो गए? अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? एज मतलब लाइन गिनो, नीचे चार ऊपर कितने, कितने हो गए? बाजू में ऐसे खड़े कितने है, कितने हो गए? यहाँ पे 12 रखो, 6 प्लस 8 14 में से 12 गया। देखो RHS कितना था, जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जो इक्वेशन उसे सिमेट्रिक 3D शेप्स ऐसा बोलते हैं, ठीक है? क्या बोल, हाँ ठीक है, जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया f प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, क्या वो नहीं दिख रहा? ठीक है, f मतलब फेस, b मतलब वर्टेक्स और e मतलब, गर्मी लग रही है क्या पीछे? हो गया खत्म, ठीक है? देखो ये सब फॉर्मूले तुमको 9th में पढ़ा है, इसको याद, इसको इसी के ऊपर डिपेंड ये सब पूछ के क्वेश्चंस है। हाँ छोड़ो, ठीक है, मतलब नहीं कौन सा, यहां से क्वेश्चन हो द कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया दिया है, ये एक ही क्वेश्चन है 3 और 4, ठीक है? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर ही पकड़ना है तुमको, क्या पकड़ना है? सिलेंडर, हाइट कितना है और उसका कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, क्या निकालना है? डायमीटर, क्या निकालना है? तो कर्व सरफेस एरिया का क्या है फॉर्मूला सिलेंडर का? 2πr, मैंने टोटल पूछा क्या? 2π ठीक है, ठीक है, वो हुआ है, और भी बताना है कुछ? ये वेदांत क्यों नहीं आ रहे है? अब तुम फॉर्मूले में जब चेक कर रहे होंगे है ना, ये मेरा हुआ हाइट, हाइट लेंथ, ये क्यूबॉइड, ये कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। देखो ये हमारा ना क्यूब है, क्या है? तो क्यूब में ये सब रहता है क्या?
उसमें डायरेक्ट एल रहता है, क्या रहता है, क्योंकि सबकी साइड सेम रहती, सबकी एज की लेंथ क्या रहती है, सेम, क्या रहती है, सेम, ठीक है। ए यार क्यूबॉइड नहीं है क्या, हाँ अब क्यूबॉइड का है। देखो क्यूबॉइड में जो तुम फॉर्मूला देख रहे होंगे, एक वर्टिकल दिख रहा है ना, वर्टिकल दिख रहा है, एक टोटल दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, वॉल्यूम, तीन फॉर्मूले है ना। अब वर्टिकल जब निकाल रहे हो, क्या निकाल रहा है, तो वर्टिकल में मतलब जो ये जो फेसेस खड़े है ना, जो खड़े है, जो क्या है, खड़े कौन कौन से है, तो उनका एरिया लिया उसने। ये क्या है मेरा हाइट, क्या ये मेरा हाइट है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, वर्टिकल का फॉर्मूला क्या दिया, देखो वहां पे क्या दिया उसने, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ ठीक है। क्या ये क्यूबॉइड है ना, वर्टिकल मतलब लैटरली होता है, ठीक है, वर्टिकल का मतलब क्या, ठीक है, तो उसने ये जो खड़े जो फेसेस है उनका उनका यूज करके उसने आला फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है हमारा, टोटल, किसका यूज किया है, टोटल में यूज किया है। अब टोटल में जो देखो वर्टिकल में जो थे चार काउंट किया था ना उसने, कितने काउंट किया था, चार, टोटल में जो बाकी दो बचे ऊपर का और उनका भी यूज कर दिया, लेंथ ब्रेथ है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इधर भी क्या हो गया, लेंथ इनटू, इसका फॉर्मूला क्या था, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये क्या है, टू लेंथ ब्रेथ, ठीक है। देखो टोटल में जब टोटल तुम जब निकालोगे है ना, किसका फॉर्मूला, टोटल का, तो टोटल में छह के छह फेसों का ही तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉरी छह के छह फेसेस का है ना। तो ये एक फेस देखो रेक्टेंगल का शेप का दिख रहा है ना, तो एक फेस का फॉर्मूला क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया, लेंथ है क्या है, और ये क्या है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल वाला कौन सा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, नीचे भी क्या होगा, इधर क्या है हाइट और क्या है लेंथ है, तो क्या होगा लेंथ इनटू, इधर भी क्या होगा, सामने वाला क्या होगा हाइट और क्या है ब्रेथ, तो लेंथ इनटू, पीछे वाला भी क्या होगा, ऐसा उसने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो देखो दो बार टू इंटू लेंथ ब्रेथ बन रहा है तो इसलिए टू लेंथ ब्रेथ आया है ना, दो बार टू लेंथ हाइट बन रहा है इसलिए, और दो बार क्या बन रहा है हाइट ब्रेथ बन रहा है इसलिए, तो टोटल में आला फॉर्मूला लग रहा है। अब वहां पे मैंने कैसे लिखा, टू सब में दिख रहा है, टू कॉमन, लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट प्लस हाइट ब्रेथ, ये आला फॉर्मूला है, समझा। अब उसने क्या बोला है, वॉल्यूम, क्या बोला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वो देखो फॉर्मूला कैसे बना, नीचे का सिर्फ शेप देखो, नीचे कौन सा शेप दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है, नीचे का शेप देखो, रेक्टेंगल का दिख रहा है ना, नीचे का रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब मैंने एक और रेक्टेंगल उसके ऊपर रखा, एक रखा तो एक रेक्टेंगल रखा तो एक हाइट हुई, दो रखा तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू टू, तीन रखा तो, चार रखा तो, अब कितने रख रहा हमको पता है क्या, तो उसको क्या मान लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऐसा उसका फॉर्मूला डेराइव हुआ है, तो क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, समझा, ऐसा उसका फॉर्मूला डेराइव हुआ है।
नेक्स्ट क्या है मेरा कोन, क्या क्यूब है, क्या है क्यूब है ना, क्यूब के जो फेसेस है वो स्क्वायर के है, क्या है इसका हर जो फेस है सबकी सब फेस का एरिया सेम आता है, सब फेस का एरिया क्या आता है सेम आता है, ठीक है। तो इसकी जो एजेज है क्या उसको एल मानते हैं, क्या मानते हैं एल, इसलिए मानते हैं क्योंकि हर एज की लेंथ क्या रहेंगी उसकी सेम रहने वाली है, क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है, ठीक है। तो उसमें उसने पहला बोला वर्टिकल, क्या बोला है वर्टिकल बोलो लैटरल बोलो दोनों का मतलब, तो वर्टिकल मतलब जो फेस खड़े है, जो फेस टोटल इसमें भी छह फेस दिख रहे हैं, सोए वाले ऊपर का और एक, इसको हटा दो तो टोटल फेस कितने थे छह थे, कितने थे दो हट गए तो कितने बचे, तो वहां पे फोर आया है, आया है। उसके बाजू में एल स्क्वायर दिया है, क्या दिया है देखो एल स्क्वायर कैसे आया, ऊपर का हट गया ना, ये स्क्वायर शेप का है, इसकी साइड की लेंथ कितनी है, कितनी है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड मतलब एल इंटू एल है ना, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्या हुआ ऐसे कितने खड़े है? एक दो तीन और ए सामने वाला चार, तो कितने से मल्टीप्लाई, एक का निकालते वन वन एल स्क्वायर, दो का निकालना है तो टू, कितने वर्टिकल है चार, इसलिए कितने से समझा। नेक्स्ट क्या है वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम का फॉर सॉरी टोटल है, क्या है टोटल है ना, अब वर्टिकल में कितने लिए थे चार, कितने लिए थे फेसेस की बात कर रहा हूँ, टोटल में कितने फेस आएंगे छे, कितने आएंगे छे आ गया, एक फेस कौन सा शेप का है रेक्टेंगल की स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है ना, साइड की लेंथ कितनी है, इसलिए क्या आया समझा। वैसे ही पूरे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, ठीक है। ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कितने दस है बस, सिंपल सिंपल है पूरे क्वेश्चन, क्या निकालना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का फॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करो खत्म करो, ठीक है। ये जो चैप्टर है तुमको है ना 10th में है ये वाला चैप्टर, तुमको मेंसुरेशन नाम का है चैप्टर, ठीक है, उसमें कुछ नहीं फॉर्मूला ही है बस, फॉर्मूला याद तो क्वेश्चन सही, क्वेश्चन सही करना है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, थ्री साइड्स का मेजरमेंट, थ्री साइड्स का हमको क्या करना है मेजरमेंट्स करना है, ठीक है। अब मेजरमेंट करने के लिए छह रेशोस दिया है, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है छह, कितने वो छह का छह यूज नहीं करना पड़ता, कोई एक एट अ टाइम यूज करना पड़ता है, टेन यूज करो साइन यूज करो कॉट यूज करो जो करना है यूज करो, तो छह कौन से है हमारे पास, साइन है कॉस है टेन है, कोसेक सेक और नाइन तक तुमने ऊपर के तीन पढ़े होंगे सिर्फ, साइन कॉस और टेंथ में ये तीन नीचे आएंगे और आगे भी इस छह के अलावा कोई नहीं आने वाले, ये छह के छह ही भी रहेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसमें सिर्फ ये तीन छह ही रेशो है और छह के कम से कम बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसमें पहला फॉर्मूला रेशो फॉर्मूला, क्या है रेशो फॉर्मूला का मतलब हो गया उनके ट्राइंगल में जो अप्लाई करना है ना उनके साइड्स के हिसाब से इसको फॉर्मूले को अलग अलग डिवाइड करके रखा है, ठीक है। साइन का कॉस का और टेन का, साइन को साइन ऐसा लिखा तो ये है साइन, ऐसा लिखते साइन, ठीक है साइन थीटा। अब थीटा का मतलब क्या होता है कोई एंगल, क्या होता है तुम नाइन्थ तक जो भी पढ़ोगे सब एक्यूट एंगल पढ़ा है, क्या पढ़ा है टेंथ में भी पढ़ोगे तो क्या है तुमको एक्यूट एंगल, एक्यूट के अलावा नहीं है कुछ, टेंथ के बाद जो भी एक्यूट के ऊपर ऑप्टूज आएगा रिफ्लेक्स आएगा और कंप्लीट आने वाला है, ठीक है। अभी तक तुमको सिर्फ क्या पढ़ना है एक्यूट मतलब लेस देन 90 वाला ही आएगा तुमको, मतलब कहाँ तक इक्वल टू और लेस देन 90 तक का ही एंगल तुमको याद रखना, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत है क्या टेंथ तक के, ठीक है। तो पहला क्या फॉर्मूला है साइन, इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है साइड पहचानने में, क्या होती है ये हो गया। अब थीटा कहीं पे भी रख दो, ए पे रख दो या सी पे, थीटा यहाँ पे रखा है ना, देखो 90 की अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, वो तो फिक्स है, वो क्या है चेंज कौन होता है अपोजिट और एडजेक्शन, अपोजिट और अपोजिट का मतलब उसके सामने, किसके सामने एंगल के, किसके सामने
अब एंगल जहां पे रखा उसके सामने जो साइड हो गई वो क्या हो गया, और जो साइड बच गई उसे क्या बोल देना, नहीं तो जो साइड उससे क्या रही, ज्वाइन क्या रही, ये तो ऑलरेडी इसका क्या है नामकरण है, क्या है, हाइपोटेनियस, तो बची कौन सी साइड, तो उसको नाम दे दो एडजेक्शन, ठीक है। फिर है हमारा कौन सा, रेसिप्रोकल, क्या है, और उसमें भी आइडेंटिटीज है, रेसिप्रोकल पहला क्या है, साइन, साइन का रेसिप्रोकल साइन का उल्टा, साइन का क्या होता है, कॉस का, टेन का, वन बाय कॉट, कॉट कोसेक का, सेक का, और कॉट का, ठीक है। अब ये जो तीन आइडेंटिटीज है, ये तीन के बारह होते हैं, कितने होते हैं, तीन याद रखो, बारह याद हो जाते हैं, ठीक है। पहला देखो आइडेंटिटी, इसको ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीन आइडेंटिटी तुमको याद रखना है, तुमको जो पेपर आएगा है ना, मेरे हिसाब से ज्यादातर मैं भैया वैल्यू वाला देने वाला हूँ, क्या दूंगा, तुमको वैल्यू याद रखना है बस, ठीक है, ये वैल्यू याद रखो। देखो इसको याद रखने का तरीका मेरे को सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से क्या लगता है ना, साइन का याद रख लो, बाकी पूरा याद हो जाता है। एक दूसरा भी तरीका है ट्रायंगल वाला, ठीक है, उसमें 30-60-90 थ्योरम अप्लाई करो और 45-45-90, तो उसके लिए तुमको साइड्स की वैल्यू याद रखना पड़ता है कन्वर्स के हिसाब से, है ना, 30 का अपोजिट ए लेना है, 60 का अपोजिट 2a लेना है, और 90 का अपोजिट रूट 3 है, ठीक है। तो लेकिन उससे तुमको सिर्फ 30-60-45 की वैल्यू निकलेगी, 0-90 का याद रखना है तुमको, 0-90 का क्या रखना है, हाँ बोलो, हाँ किसकी, कॉट की, अरे बोलो ना पट से, कॉट जो है, देखो कॉट 60 हमें निकालना है ना, क्या निकालना है, कॉट 60, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन, क्या होता है, तो उसके लिए हमको कॉट कॉस 60 पता हो ना, ये कॉस की लाइन है, कितना है 1/2 आया, साइन 60 कितना है 2 से 2, कितना आया 1/√2, साइन बाय कॉस 10 होता है, समझा, हाँ हाँ, tan का है ना, tan का क्या है, cos को sin से डिवाइड करना है, cos वाला ऊपर आएगा, रूट 3/2 1/2 2 से 2 कट, रूट 3 ऊपर आया, हाँ तो 60 में ये 1/2 ऊपर है, रूट 3/2 नीचे है, 2 से 2 कट, 1 ऊपर, रूट 3 नीचे, हाँ। सेक का कैसे निकालते हैं, और सेक का उल्टा कर, कॉस का उल्टा कर दो, क्या होता है, वन, जो भी सेक का निकालना है तो कॉस की वैल्यू को, कॉस की वैल्यू से वन को क्या करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, निकलते जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये नीचे क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, वैल्यू पटकना है, और फिर नॉर्मल जहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई वाले के, बस ऐसा करना है इसको सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे हुआ खत्म। अब जिसको भी डाउट होगा तो क्लास के बाद क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ सकते हो, हाँ, अरे क्वेश्चन में कुछ होगा तो पुराना नहीं पूछने आना कि भैया मेरे को ये समझा के दो, समझा के नहीं देने वाला हूँ मैं।